नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार जाबाद स्वागत करता हूँ आपका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, एसेट बेस्ड बैलेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स में हम अपेयर होते हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स में 100% एसेट बेस्ड बैलेंस से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेट बेस्ड बैलेंस इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बॉडी में हीमोस्टेसिस के लिए एसेट बेस्ड बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है और बॉडी की लगभग सभी फिजिकल एक्टिविटीज एसिड बेस स्टेटस पर निर्भर करती है। आगे हम बात करते हैं एसिड एंड एसिड कंटेंट हाइड्रोजन आयन, एक जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, जो एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है। एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, मीन्स पोर्शन डोनर होता है। एंड एसिड की पीएच 7 से कम होती है। पीएच स्केल में अगर हम देखें तो पीएच स्केल में 0 to 7 लेस देन 7 हम लोग एसिड कंसिडर करते हैं और मोर देन 7 हम लोग बेस कंसिडर करते हैं। टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं और फॉर एग्जांपल HCl जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, वहीं पे अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होते हैं। बेस वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं। हमने एसिड में क्या पढ़ा था, एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं एंड जो बेस होता है वो बेस हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। बेस की जो पीएच होती है वो 7 से अधिक होती है और इसका जो टेस्ट होता है या स्वाद होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पीएच, द पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है, पीएच स्केल इन्वेंशन बाय डॉक्टर सोरेन सोरेनसन ने पीएच स्केल को इन्वेंट किया था। और ये जो पीएच स्केल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डॉक्टर का नाम इंक्लूड किया, डॉक्टर सोरेनसन। एसिडिक, अगर पीएच स्केल में पीएच 7 से कम हो रही है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हमने एसिड में क्या पढ़ा था, एसिड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर पीएच कम हो रही है, 7 से कम हो रही है, तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर हम वही बात करें एल्कलाइन की, यदि पीएच स्केल में पीएच 7 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटती है। पीएच इंक्रीज मीन्स एच कंसंट्रेशन डिक्रीज या हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज, पीएच डिक्रीज इट मींस हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच स्केल का, 0 टू 14 का स्केल होता है, 7 दैट इज दिस इज 7 न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 हम लोग एसिड कंसीडर करते हैं, मोर देन 7 हम लोग पॉजिटिव और बेस कंसीडर करते हैं। एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिससे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखा जाता है। पहला होता है केमिकल रेगुलेशन, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन एंड थर्ड वन इज द पोटेशियम एक्सचेंज। पोटेशियम आयन एक्सचेंज के थ्रू भी हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, पहला है केमिकल रेगुलेशन। क्या होता है केमिकल रेगुलेशन, यह है वॉफर के द्वारा किए जाने वाला इमीडिएट रेगुलेशन है जो एसिड बेस बैलेंस में तो कुछ ही सेकंड में मेंटेन करता है। मीन्स केमिकल रिएक्शन होती है और कुछ ही सेकंड में जो है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं केमिकल रेगुलेशन के। ब्लड बफर सिस्टम, बफर सिस्टम क्या होता है, बफर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन को अब्सॉर्ब करता है और रिलीज कर सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है और बेस क्या करता है,
हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। इफ इट इज एसिडिक देन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, क्योंकि उधर क्या होता है हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है तो क्या करता है उसको ये रिलीज एब्जॉर्प्शन और रिलीज कर सकता है एसिड ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। वहीं पर अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड है फोर टाइप ऑफ बफर सिस्टम, हमारी बॉडी फ्लूइड में चार प्रकार का बफर सिस्टम होता है। पहला है हमारा कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट SCO3 और कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट के थ्रू भी हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फॉस्फेट बफर के थ्रू भी हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन के थ्रू भी हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एंड हीमोग्लोबिन के थ्रू भी हम एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट 51% रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। वहीं हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो 35% रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। रिमेनिंग जो है उसमें फॉस्फोरस और प्लाज्मा प्रोटीन दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट की तो CO2 प्लस H2O मिलकर के H2CO2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करके SCO3 का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनिक एसिड का कार्बन बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ें आपको बताई गई। एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ पर हमने देखा था हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया है इधर और SCO3 बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो H2CO3 का फॉर्मेशन जो कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एल्किलोसिस की तो एल्किलोसिस डिक्रीज हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। इसमें क्या होता है ये यहाँ पर कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड ये क्या करेगा ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद में क्या बचता है हाइड्रोजन प्लस बाइकार्बोनेट दोनों का फॉर्मेशन। द सिस्टम मेंटेन अ पीएच 7.4 विद अ रेशियो ऑफ 20 पार्ट्स बाइकार्बोनेट टू 1 पार्ट कार्बोनिक एसिड। तो ये था हमारा ब्लड का बफर सिस्टम जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट HCO3 और कार्बोनिक एसिड H2CO3 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे ये मेंटेन करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें लंग्स की, कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करता है, लंग्स कंट्रोल करता है कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को बाय CO2 एक्सक्रीशन के थ्रू के द्वारा जो लंग्स होते हैं कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। लंग्स एक्सक्रीट 13,000 to 30,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे वायलेट एसिड इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड HCO। ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है 13,000 to 30,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे वायलेट एसिड जो कि कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है जो कि CO2 के द्वारा बाहर निकलता है। वहीं पर अगर हम बात करें किडनी की तो बाइकार्बोनेट की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। दो ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, पहला है हमारा लंग्स और दूसरा है किडनी। लंग्स जो है वो कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिए लंग्स का काम है कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करना, वो भी कैसे करता है बाय CO2 एक्सक्रीशन के थ्रू कार्बोनिक एसिड की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करता है लंग्स। और किडनी का काम होता है बाइकार्बोनेट की कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करना जो कि किडनी 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे नॉन वायलेट एसिड जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। दोनों का काम यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द लंग्स। ओके, दिस CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। इधर आप देख सकते हैं किडनी SCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करती है और इस तरह से ये जो है एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करती है। हीमोग्लोबिन सिस्टम, अगर हम फोर्थ सिस्टम जो हमारी बॉडी का जो फोर्थ सिस्टम जो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है तो वो है हीमोग्लोबिन सिस्टम। एंड पेरिफेरल टिश्यू CO2 यह RBC में डिफ्यूज होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन आयन तथा बाइकार्बोनेट में टूट हाइड्रोजन आयन जो कि कार्बोनिक एसिड किस में टूट जाता है
हाइड्रोजन आयन अलग से रिलीज हो जाता है प्लस बाइकार्बोनेट एस यूबीडी में टूट जाता है। हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है एवं बाइकार्बोनेट जो है वो क्लोराइड आयन के साथ में जुड़ करके एक्सचेंज होते हैं। इसे क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द बॉडी टिश्यू और वी कैन से सेल बॉडी की सेल्स हैं। बॉडी की सेल्स से CO2 रिलीज होती है। यहाँ पे आपने यहाँ पर हम देख सकते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट है और ये क्लोराइड जो कि क्लोराइड आयन है क्लोराइड आयन ये क्या करते हैं यहाँ पे देखो CO2 प्लस एस टू CO2 वाटर वाटर के साथ में जुड़ती है एस टू CO2 का CO3 का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और SCO3 बाइकार्बोनेट आयन अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज बाइकार्बोनेट SCO3। हाइड्रोजन आयन को तो हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है और SCO3 जो होता है SCO3 क्लोराइड साफ्ट के साथ आप साथ में एक्सचेंज होता है मीन्स SCO3 बाहर निकल जाता है और क्लोराइड साफ अंदर की तरफ आ जाता है। ये हमारा है हीमोग्लोबिन सिस्टम। आई होप कि आपको ये सिस्टम समझ में आया हो। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। पहला हमने पढ़ा था केमिकल रेगुलेशन, दूसरा है फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम यह सेल्स एवं बॉडी फ्लूइड में उपस्थित रहता है तथा मुख्यतः किडनी में एक्टिव रहता है। एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो एसिडोसिस में फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं HPO4 प्लस हाइड्रोजन आयन अलग से हो गया डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी फॉस्फेट यहाँ पर है आप देख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर एक अलग से ऐड ये दोनों मिलकर के डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ब्लड में हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती है और pH घटती है हमने उधर पढ़ा था हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो pH घटती है तथा हाइड्रोजन आयन फॉस्फेट आयन को स्वीकार करते हैं और ब्लड में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन के बीच में संतुलन बनाया। ये था हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम का काम एसिडोसिस वाली कंडीशन में। अगर हम बात करें एल्कलोसिस वाली कंडीशन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है। सेम चीज़ है ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये क्या करेगा ये टूटेगा हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देता है और हाइड्रोक्सी फॉस्फेट में ये टूट जाता है मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट में ही टूट जाता है। जब ब्लड में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है पीएच बढ़ती है। ये दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं जब ब्लड में हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती है तो पीएच घटती है और जब ब्लड में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है तो पीएच बढ़ती है तब ब्लड में हाइड्रोजन आयन को बढ़ाने के लिए डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन हाइड्रोजन के साथ में रिलीज करता है। नेक्स्ट तीसरा है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम अल्बुमिन सिस्टम जो है प्लाज्मा प्रोटीन में हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट और रिलीज करने की एबिलिटी होती है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिलीज भी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर प्रोटीन आर एक्सट्रीमली एविडेंट इन दिस दैट सेल। यहाँ पर याद रखने योग्य यही चीज़ है कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की और अट्रैक्ट करने की। नेक्स्ट है इन लंग्स रिवर्स क्लोराइड शाफ्ट टेक प्लेस। यहाँ हीमोग्लोबिन CO2 की जगह O2 से जुड़ता है तब CO2 रिलीज करता है। ये भी बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ है H2O हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 की जगह पे O2 जुड़ता है तथा CO2 रिलीज हो जाता है और लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ब्लड में O2 लेवल के रेस्पॉन्स में क्लोराइड कोशिकाओं के अंदर बाहर की ओर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोराइड सेल्स हैं ये RBC है यहाँ पर एक्सचेंज ये जब एक्सचेंज होती है तो SCO3 अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट अंदर की साइड जा रहा है क्लोराइड साफ जो है बाहर की साइड जा रहा है लेकिन जब ये एक्सचेंज होती है तो SCO3 बाहर की तरफ निकलता है और क्लोराइड साफ अंदर की तरफ आता है। ये ब्लड के अंदर O2 के रेस्पॉन्स में एक ये अंदर बाहर करने की एबिलिटी होती है क्योंकि एक आरबीसी में जितने क्लोराइड आयन्स अंदर जाते हैं तो हम
उतने बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल गए। जितने क्लोराइड आयन्स अंदर आएंगे उतनी ही क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में बाइकार्बोनेट आयन्स आरबीसी से बाहर चले जाते हैं, और जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर आते हैं उतने ही क्लोराइड आयन आरबीसी से बाहर जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके आगे काम आएंगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में पहला हमारा आता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, जो कि लंग्स के अंदर होता है। इट टेक्स फ्यू मिनट टू बैलेंस, बहुत ही कम समय में बैलेंस कर देता है। इन एसिडोसिस रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाती है एसिडोसिस वाली कंडीशन में, और इन एल्कलोसिस वाली कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर हम वही बात करें रीनल मैकेनिज्म और किडनी की, तो ये कुछ हावर्स लेती है और कुछ दिन भी लग सकते हैं इसको एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। एसिडोसिस वाली कंडीशन में पीएच डिक्रीज होता है एंड हाइड्रोजन आयन एक्सेस होता है, बढ़ जाते हैं, जो कि जो हमारा ट्यूब्यूल्स हैं पीसीटी और डीसीटी ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड हम उनके उसमें सीक्रेट होते हैं। उसके बाद में वॉफर सेल्स के थ्रू ये यूरिन के साथ में बाहर निकल जाते हैं एसिडोसिस वाली। वहीं पर अगर हम बात करें एल्कलोसिस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर देखिए आप एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज हो रहा है, ओके, मींस लेस देन 7 है इसका पीएच। यहाँ पर एल्कलोसिस वाली कंडीशन में पीएच इंक्रीज है, मींस मोर देन 7 है, जो कि, और यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, पीएच घट रहा है, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए पीएच घट बढ़ रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। दोनों अलग चीज़ें हैं, एसिडोसिस में पीएच घटता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, और एल्कलोसिस में पीएच अगर कम होता है, पीएच अगर बढ़ता है तो बाइकार्बोनेट आयन बढ़ते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स पीसीटी और डीसीटी में सिक्रेट हो जाते हैं और सोडियम के साथ में यूरिन साथ निकल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम एक्सचेंज। पोटेशियम एक्सचेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम आयन्स एंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स आपको यहाँ पर देखेंगे। एसिडोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में ये पोटेशियम आयन्स बाहर निकल जाते हैं, और मीन्स कम सॉरी ज़्यादा ये पोटेशियम आयन्स जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल के अंदर रहते हैं, जिससे कि जिसमें क्या होता है पोटेशियम की मात्रा सेल के अंदर बढ़ जाती है, उस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्कलोसिस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होता है हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स यहाँ पर सेल्स के अंदर पोटेशियम आयन्स की कमी हो जाती है। ये आप जो देख रहे हैं वाइट कलर के, ये हैं हमारे पोटेशियम आयन्स। इन एसिडोसिस अगर हम बात करें एसिडोसिस की, तो एसिडोसिस में ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में जाने लगते हैं। इसके फलस्वरूप इंट्रा सेलुलर फ्लूड की इलास्टिसिटी न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयन सेल से बाहर आते हैं, जिससे क्या होता है हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन उत्पन्न होती है। अगर हम सेम चीज़ अगर हम बात करें एल्कलोसिस वाली कंडीशन में, एल्कलोसिस की कंडीशन में ECF की तुलना में ICF ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स उपस्थित होते हैं, और ICF से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होने के कारण हाइड्रोजन आयन ICF से ECF में जाने लगते हैं, जिससे ECF या इंट्रासेलुलर फ्लूड ICF इंट्रासेलुलर फ्लूड की इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयन्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड से इंट्रासेलुलर फ्लूड की ओर मूव करने लगते हैं, और हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन उत्पन्न होती है। यहाँ पर याद रखने के लिए ट्रिक दिया हुआ है एल्कलोसिस इज इक्वल टू K का लॉस इज इक्वल टू हाइपोकैलेमिया। K का लॉस मीन्स पोटेशियम का लॉस, हाइपोकैलेमिया, यहाँ पर K वर्ड याद रखना आपको, कैलेमिया, ये K। नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस। इंट्रोडक्शन, क्या होता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस इज एबनॉर्मलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस।
दैट कॉज प्लाज्मा पीएच टू डेविएट आउट टू नॉर्मल रेंज, मीन्स जो कि हमारे ब्लड की नॉर्मल रेंज होती है 7.35 7.45, या तो ये इससे डिक्रीज हो जाते हैं पीएच, जो हमारा पीएच लेवल है या तो वो 7.35 से डिक्रीज हो जाएगा या फिर 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा उस वाली कंडीशन को। अगर ये 7.35 से डिक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस, और अगर ये 7.45 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कलोसिस। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो टू टाइप का होता है, एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं टू टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एल्कलोसिस की अगर हम बात करें तो ये भी टू टाइप का होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन के कारण ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज देन पीएच इज डिक्रीज, और व्हेन पीएच इंक्रीज दैट टाइम बाइकार्बोनेट आयन्स आर इंक्रीज एंड हाइड्रोजन आयन पीएच डिक्रीज होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, PCO2 लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाता है जो कि मोर देन 45, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 35-45 होती है। इसकी यहाँ पर आपको नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल रेंज होती है 35-45। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कॉजेज की, मीन्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कौन कौन से कारणों से होता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के का फर्स्ट है, अगर हम रेस्पिरेटरी डिजीजेज में बात करें, अस्थमा वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, COPD वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, एटेलेक्टासिस वाली कंडीशन में देखने को मिलता है, ब्रोंकोएक्टासिस और ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, निमोनिया वाली कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है, और एम्फाइसिमा वाली कंडीशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस, व्हाट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम, दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा को हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम विच इज द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। दूसरा ब्रेन ट्रोमा वाली कंडीशन की वजह से भी रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है, और ब्रेन ट्यूमर वाली कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्यू टू सेडेटिव्स, नार्कोटिक्स, एनेस्थेटिक एंड एल्कोहल, चार जो है इनकी वजह से हमारा CNS डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो हाइपोवेंटिलेशन में आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन में, हाइपोकैलेमिया भी आपको देखने को मिल सकता है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक एंड कोमा भी आपको देखने को मिल सकता है, सीजर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वहीं पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो O2 थेरेपी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेशेंट को O2 थेरेपी देंगे, सेकंड जो है सेमी फाउलर पोजिशन देंगे, सक्शनिंग कराएंगे पेशेंट की, इंक्रीज डीप ब्रीथ एंड कफ, एंडोट्रेकियल ट्यूब और मैकेनिकल वेंटिलेशन ये पेशेंट को डालेंगे। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन के कारण ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, जिसके कारण pH इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स अबव 7.45, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और
पार्शियल PCO2 लेवल डिक्रीज हो जाता है जो कि बिलो 35 mmHg हो जाता है। मैंने आपको बताया था CO2 का लेवल कितना होता है 35 to 45 mmHg। कॉजेस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्केलोसिस मीन्स CO2 लेवल डिक्रीज हुआ है, pH इंक्रीज हुआ है लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, उस वाली कंडीशन में एल्केलोसिस मीन्स CO2 का लेवल घटेगा तो pH बढ़ेगा, और जब CO2 का लेवल बढ़ेगा pH घटेगा। ये पहचान होती है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, pH डिक्रीज हो रहा था लेकिन CO2 का लेवल मोर देन 45 हो रहा था। वहीं पर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की तो यहाँ पर आप देखिए pH का लेवल इंक्रीज हो रहा है और PCO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेस देन 35 जा रहा है। अगर हम बात करें इसके कॉजेज की तो एनी कंडीशन दैट कॉज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, किसी भी कंडीशन के कारण चूंकि जिससे कि हमारा रेस्पिरेशन ओवर स्टिमुलेट होता है तो ये वाली कंडीशन कॉज हो सकती है। हाइपर वेंटिलेशन के कारण भी ये हो सकता है, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टू द ब्लड सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टू द टिश्यू दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया। स्टेरिया वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है, ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर, ज़्यादा वेंटिलेशन की वजह से भी आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है ड्यू टू पेन, प्रेगनेंसी, फीवर एंड साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशन, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करना है मैं, और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में मैंने आपको बताया था मोस्टली आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है इनिशियली हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगी जबकि पीनिया पेशेंट में देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, लेथार्जी कन्फ्यूजन और टैकीकार्डिया वाली कंडीशन भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है, कन्वल्सन भी देखने को मिलेंगे, नोजिया वोमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की तो एनकरेज अप्रोप्रिएट ब्रीदिंग पैटर्न, पेशेंट को एनकरेज करेंगे उसके ब्रीदिंग पैटर्न को अप्रोप्रिएट करने के लिए, वॉलेंट्री होल्डिंग द ब्रीदिंग उसको बोलेंगे कि आप ब्रीथ को थोड़ा रोकने का कोशिश करो, प्रोवाइड CO2 ब्रीथ इसको हम बोलते हैं री ब्रीदिंग इन टू पेपर बैग, मीन्स एक पेपर बैग पेशेंट को देंगे और उसमें क्या करेंगे पेशेंट को बोलेंगे कि आप इसमें रेस्पिरेटर को एक्सपायर करो, तो वो उसमें एक्सपायर करेगा फिर उसको बोलेंगे कि आप इसको वापस CO2 को इनटेक करो, तो उस वाली कंडीशन से भी हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। प्रोवाइड केयर फॉर वेंटिलेटर पेशेंट, वेंटिलेटर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, एंड इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट भी प्रोवाइड करके भी हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये री ब्रीदिंग इनटू पेपर बैग, यहाँ पर ये आप ये इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हमने दो कंडीशंस को अब तक पढ़ा, पहला था हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और दूसरा था हमारा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा था कि pH डिक्रीज हो रही थी, मींस लेस देन 7.35 हो रही थी, लेकिन सेम अपोजिट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल PCO2 का लेवल मोर देन 45 हो रहा था, वो था हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहीं पर अगर हमने देखा था रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में क्या हो रहा था pH जो है हमारी मोर देन 7.45 हो रही थी, मींस pH इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उसके अपोजिट में क्या हो रहा था PCO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा था, लेस देन 35 हो रहा था। तीसरा हमारा आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में उसमें क्या होता है हाइड्रोजन आयंस कॉज्ड बाय अबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस, अबनॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है
इसमें क्या होता है, पीएच डिक्रीज होता है, मीन्स लेस देन 7.35 होता है। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और उधर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज भी हो रही थी डिक्रीज भी हो रही थी। लेकिन मेन चीज यहाँ, उधर PCO2 का लेवल जो है बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर SCO3 का लेवल डिक्रीज होता है। आपको याद रखना है, उधर क्या हो रहा था, अगर पीएच बढ़ रहा था तो CO2 घट रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में थे। अगर पीएच कम हो रहा था तो CO2 बढ़ रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको पहले पढ़िए, अगर पीएच CO2 और SCO3 अगर सेम डायरेक्शन में है, मीन्स अगर पीएच भी घटा हुआ है, CO2 भी घटा हुआ है, और SCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल भी घटा हुआ है, वो सीधा इंडिकेट करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका ये फॉर्मूला, ये याद करने का तरीका होता है और उसको समझने का तरीका होता है कि अगर पीएच सॉरी पीएच CO2 और SCO3 अगर सेम डायरेक्शन में है, मीन्स अगर वो कम हो रहे हैं, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, पीएच PCO2 और SCO3 तीनों का लेवल अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन इंडिकेट करती है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस वाली कंडीशन को। बहुत ही समझने की चीजें हैं, बहुत ही याद, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप इजीली अच्छे से इसको समझ जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच डिक्रीज हो रहा है बिलो 7.35, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, SCO3 का लेवल डिक्रीज हो रहा है लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कॉजेज अगर हम बात करें तो रीनल फेल्योर वाली कंडीशन में की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मलाइटस डायबिटीज कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन से भी हो सकता है, सीवियर डायरिया इंक्रीज लैक्टिक एसिड इलियोटोमी वाली कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, माल न्यूट्रिशन एंड स्टार्वेशन वाली कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव इंजेशन एंड एसिटाइलसिस्टीन एसिड एस्पिरिन की वजह से भी देखने को मिल सकता है, एंड हाई फैटी डाइट की वजह से भी ये वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें कुसुमल रेस्पायरेशन आपको देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, हेडेक एंड कोमा आपको देखने को मिलेगा, डिसअरिथमिया वॉम प्लस स्किन आपको देखने को मिलेगी, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, ये कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो पेशेंट को इंसुलिन देनी है एज प्रिस्क्राइब इन DM एंड ट्रीट अंडरलाइन कॉज ऑफ एसिडोसिस। आप ये कुछ आपको पेशेंट को इंसुलिन देना है और उसका जो अंडरलाइन कॉज है एसिडोसिस का उसको ट्रीट करते रहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाली कंडीशन की, तो यहाँ पर पीएच इंक्रीज होता है, ये सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, पीएच इंक्रीज होता है मोर देन 7.45 जाता है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, और SCO3 का लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज होता है, सॉरी ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, इट इज मोर देन 27.27 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर, दैट दिस कंडीशन इज ऑल्सो इंक्रीज एंड दिस इंडिकेट रेस्पायरेटरी सॉरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर हम बात करें इसके कॉजेस की, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली कंडीशन से की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, GI सक्शनिंग, एंटासिड यूजेस, डायूरेटिक्स, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है, इन्फ्यूजन ऑफ एक्स सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूँ, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ट्रीमर्स, टिटेनस, मसल क्रैम्प, सीजर, ड्राउजीनेस, तो ये सारे सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। सॉरी अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीट अंडरलाइन कॉज ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस के जो इसके कॉजेज हैं आप उनको ट्रीट किए कीजिए, इसका ये ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल एवेल्युएशन फॉर डिस्टरबेंस इन एसिड बेस स्टेटस। इसमें आप पहला देखेंगे एनियन गैप,
एनियन गैप क्या होता है? एनियन गैप या एसिड बेस स्टेटस में आए डिस्टरबेंस को इवेलुएट करने के लिए काम में लिए लेते हैं। मोस्टली एनियन गैप इज यूज फॉर इवेलुएशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मोस्टली यहाँ पे एक ये आपको देखो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, एनियन गैप इज यूज फॉर द इवेलुएशन ऑफ दैट आर द राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस मोस्टली। ओके, एनियन गैप में रूटीन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ कैटाइंस और एनायंस को मेजर्स करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनायन गैप में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस को यहाँ पर जो है मेजर किया है। सोडियम दैट इज 144, क्लोराइड 108 एंड SU324, और जो कि टोटल सोडियम आयन माइनस क्लोराइड आयन माइनस SU3 इज इक्वल टू 12 इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर डेसीलीटर। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है एनायन गैप की दैट इज 8 टू 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यहाँ पर इसकी नॉर्मल रेंज दी है, याद रखने की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बात करें एबीजी एनालिसिस मींस आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस की, तो एबीजी एनालिसिस के द्वारा थ्रू भी हम लोग O2 CO2 गैसों की मात्रा को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें लंग्स एवं किडनी की वर्किंग एबिलिटी को हम लोग एवेलुएट करते हैं। अभी आपसे कोई पूछे एबीजी एनालिसिस हम किस लिए एवेलुएट करते हैं, तो आप उसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल O2 और CO2 का कुछ क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में ये ब्लड के अंदर है उसको उसका पता करने के लिए, और दूसरा लंग्स और किडनी के फंक्शंस का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एबीजी एनालिसिस। इसका अगर हम पर्पस की बात करें तो एसिड बेस बैलेंस को डायग्नोसिस करने के लिए एलेंस टेस्ट एबीजी एनालिसिस करने के लिए करते हैं। एबीजी एनालिसिस कौन से टेस्ट के थ्रू करते हैं? एलेंस टेस्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एबीजी एनालिसिस कौन से टेस्ट के थ्रू करते हैं या किस के द्वारा करते हैं? एबीजी एनालिसिस एलेंस टेस्ट हम लोग एबीजी एनालिसिस करने के लिए करते हैं बाय टेकिंग ब्लड सैंपल फ्रॉम आर्टरी। साइट की अगर हम बात करें तो रेडियल आर्टरी यहाँ पर मेन साइट है। अगर हम बात करें यूज प्री हेपरिन मिक्स ब्लड को हम लोग यहाँ पर सिरिंज लेते हैं एंड शुड बी फ्लश्ड विद 0.5 ml टू 1:1000 हेपरिन सॉल्यूशन, तो हम लोग उसको एक बार फ्लश करते हैं। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो रीनल आर्टरी या अल्नर आर्टरी से इसको सैंपल को लेना होता है। आस्क द पेशेंट और क्लाइंट फिस्ट एट सेवरल टाइम। नेक्स्ट रिमूव प्रेशर फ्रॉम अल्नर आर्टरी। नेक्स्ट पिकनेस रिटर्न विद इन 6 सेकेंड एंड विथड्रॉ सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्टरी एंड पिकनेस नॉट रिटर्न एंड डू नॉट सैंपल फ्रॉम रेडियल आर्ट। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एबीजी सिरिंज को सैंपल लेने के तुरंत बाद कोल्ड चैन की सहायता से लैब में भेजा जाता है। ये यहाँ पर टेक्निक है कैसे हम लोग उसको फिल करते हैं आर्टरी को। कैपिलरी रिफिल का टाइम होता है 2 to 3 सेकेंड एंड कैपिलरी रिफिल टाइम चेक बाई द पिंच फिंगर पैड एंड नील बट। फिंगर टिप को पिंच करके नेल बट को भी आप लोग पिंच करके पता कर सकते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। नेक्स्ट है एबीजी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आपको एक एबीजी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि पीएच है 7.35 to 7.45। ये इंडिकेट करता है पीएच ऑलवेज इंडिकेट करता है एसिड बेस इम्बेलेंस को, वेदर ये एसिडिक है या फिर बेस है। PCO2 35 to 45 mmHg रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इंडिकेट करता है कि वेदर इट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और वेदर इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। SU3 जो होता है वो मेटाबॉलिक फंक्शंस को इंडिकेट करता है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। PO2 का लेवल 80 to 100 mmHg होता है एंड SaO2 का लेवल मीन्स जो प्रेशर होता है हमारी सेचुरेटेड ऑक्सीजन जो होती है दैट इज 95 to 100% इन आवर ब्लड। एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन एबीजी में रेस्पिरेटरी कंडीशन में CO2 लेवल
निर्धारित कर सकते रेस्पिरेटरी कंडीशन को CO2 का लेवल निर्धारित कर सकते CO2 के लेवल से पता कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या फिर मेटाबॉलिक किसकी वजह से आ रही है। नॉर्मल पी सी ओ टू लेवल जो होता है 35 to 45, मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बोला 35 to 45 mmHg। अगर ब्लड में पी एच बढ़ेगी तो पी सी ओ टू घटेगी, मैंने आपको बोला था पी एच बढ़ती है तो पी सी ओ टू घटती है और पी एच घटती है तो पी सी ओ टू बढ़ती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है या कि जब पी एच बढ़ेगी और पी सी ओ टू घटेगी कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि पी एच बढ़ रही है और सी ओ टू का लेवल घट रहा है। अगर बात करें हम पी एच घटती है और पी सी ओ टू बढ़ती है तो यह इंडिकेट करती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक कंडीशन एबीजी में मेटाबॉलिक कंडीशन बाइकार्बोनेट आयन के लेवल पर निर्धारित रहती है। बाइकार्बोनेट का नॉर्मल जो रेंज है दैट इज 22 to 27 mEq/L। अगर ब्लड में पीएच लेवल घटा हुआ है तो एससीओ थ्री का लेवल भी घटा हुआ मिलेगा, मीन सेम डायरेक्शन में है, पीएच घटा एससीओ थ्री का लेवल भी घटा, अगर पीएच बढ़ा एससीओ थ्री का लेवल भी बढ़ा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन में पीएच डिक्रीज होती है, पीसीओ टू का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता सकूँ। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पहला है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेट। अनकम्पनसेट मीन्स विदाउट एनी कम्पनसेटरी मैकेनिज्म, मीन्स उसमें कोई भी कम्पनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी शो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पी एच 7.33 मीन्स कम है, 7.35 से कम है। पी सी ओ टू का लेवल 45 mmHg मीन्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 45 से, यहाँ पी एच भी थोड़ी सी कम है, पी सी ओ टू का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट एस सी ओ का थ्री का लेवल नॉर्मल रेंज में है, कोई भी एस सी ओ थ्री के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ मीन्स एसिडिटी को इंडिकेट कर रहा है, पी सी ओ टू का लेवल इंक्रीज हुआ मीन्स रेस्पिरेटरी को इंडिकेट कर रहा है, और एस सी ओ थ्री 24 mEq/L है मीन्स नॉर्मल रेंज में है, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा है हमारा कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच नॉर्मल हो, जैसे कि 7.35 to 7.39, पीसीओ2 सामान्य से बढ़ा हुआ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है पीएच 7.35, PCO2 बढ़ा हुआ है बट इसके साथ ही SCO3 का लेवल भी बढ़ा हुआ है, यानी कि pH की अगर हम बात करें तो pH नॉर्मल है विद इन लोअर रेंज, ओके मीन्स बॉर्डर पे है, तो एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। PCO2 का लेवल इंक्रीज है तो रेस्पिरेटरी है, बट SCO3 का लेवल इंक्रीज है, लिटिल बिट इंक्रीज है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये इंक्रीज है तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए था, तो हम इंडिकेट करते मेटाबॉलिक है, बट नहीं ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, इसलिए ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तीसरा है पार्शियली कंपनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझिए, पीएच 7.32 है, पीसीओ2 का लेवल 52 बढ़ा हुआ है, ये घटा हुआ है ये बढ़ा हुआ है, बट एससीओ3 भी क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, पीएच डिक्रीज है, एसिडिटी को इंडिकेट कर रहा है, ये पीसीओ2 इंक्रीज है, ये रेस्पिरेटरी को इंडिकेट कर रहा है, बट अगर SCO3 इंक्रीज है कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि ये मैंने क्या बोला था मेटाबॉलिक वाली कंडीशन में दोनों चीज़ें पीएच बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पीएच घटा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन को ही इंडिकेट करेगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच इंक्रीज हो रहा है बट पीसीओ2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, पी एच जो है 7.48, पी सी ओ टू 32 एंड एस सी ओ थ्री 23, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है और ये नॉर्मल रेंज में है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा सेम एग्जाम्पल
पीएच जो है नॉर्मल रेंज में है, लेकिन अपर लेवल पे है, पीसीओ2 डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीएच बढ़ा हुआ है, पीसीओ2 घटा हुआ है और SCO3 का लेवल भी घटा हुआ है, तो ये भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने बोला था SCO3 भी दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आप पीएच घटा हुआ है, पीसीओ2 नॉर्मल रेंज में है बट SCO3 घटा हुआ है, क्योंकि दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। इधर आप एक एग्जांपल से ये समझ सकते हैं पीएच नॉर्मल है बट लोअर रेंज में है, मीन्स एसिडिटी ये डिक्रीज हुआ है बट लिटिल बिट डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये भी डिक्रीज है साथ में, तो मेटाबॉलिक ये ज़्यादा मतलब ये आप देखिए ये थोड़ा सा कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से 30 हुआ, बट आप देखिए ये इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन है। पार्शियली कंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस सेम चीज़ है, तीनों चीज़ें आपको डिक्रीज मिलेंगी, तो उस वाली कंडीशन में भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही समझना है। आप समझ सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, तो आप यहाँ पर पीएच इंक्रीज मिलेगा और ये भी आपको इंक्रीज मिलेगा, ये कंडीशन इंडिकेट करती है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। दूसरे में भी आपको पीएच जो है मतलब नॉर्मल है लेकिन लोअर रेंज में है, इसमें बढ़ा हुआ है, पीसीओ2 का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, और ये जो है ये घटा हुआ है, आप यहाँ पर टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। थोड़ा ये SU3 कितना 22 to 27 मिलीग्राम इक्वलेंट पर लीटर था, तीनों चीज़ें बड़ी हैं मतलब मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन को इंडिकेट। तीसरा है हमारा पार्शियली कंपनसेट मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, पीएच इंक्रीज, पीसीओ2 इंक्रीज एंड SCO3 इंक्रीज, तीनों चीज़ें इंक्रीज हैं, तो उस वाली कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस आप यहाँ पे देख सकते सेम डायरेक्शन में है तीनों। ये लास्ट में अगर हम समरी की बात करें तो रेस्पर तीनों में अनकम्पनसेट में क्या हुआ था, पीएच घट रहा था, सीओ टू बढ़ रहा था और बाइकार्बोनेट जो था नॉर्मल रेंज में था, तो वो कंडीशन अनकम्पनसेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही थी। पार्शियली कम्पनसेट में हमने देखा था पीएच कम हो रहा था, CO2 बढ़ रहा था और SCO3 भी बढ़ रहा था, वो वाली कंडीशन भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही थी। तीसरे में हमने देखा था कि पीएच जो था वो मतलब नॉर्मल था लेकिन लोअर रेंज में था, लोअर और CO2 का लेवल बढ़ रहा था, SCO3 का लेवल भी बढ़ रहा था, वो वाली कंडीशन भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही थी। सेम चीज़ हमने इसमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में देखा था, पीएच बढ़ रहा था, CO2 का लेवल घट रहा था बट बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में था, वो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को इंडिकेट कर रही थी। पार्शियली कंपनसेट में हमने देखा था पीएच बढ़ रहा था, CO2 का लेवल कम हो रहा था और SCO3 का लेवल भी कम हो रहा था, सेम ये बट कंडीशन भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को इंडिकेट करेगी। फुली कंपनसेट में पीएच जो है बढ़ा हुआ है बट लो अपर रेंज में बढ़ा हुआ है, 7.45 है, मींस अपर रेंज में है और यहाँ पर CO2 का लेवल जो है कम है और SCO3 का लेवल भी कम है, तो ये कंडीशन भी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को ही इंडिकेट करेगी। तीसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने देखा था पीएच कम हो रहा था, CO2 नॉर्मल रेंज में था बट SCO3 का लेवल कम हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पार्शियली कंपनसेट में हमने देखा था पीएच कम हो रहा था, CO2 भी कम हो रहा था और SCO3 भी कम हो रहा था, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फुली कंपनसेट में हमने देखा था कि पीएच कम हो रहा था, लोअर रेंज में था, मतलब लोअर रेंज में था, CO2 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा था, SCO3 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा था, तो वो कंडीशन भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही थी। नेक्स्ट हमने लास्ट में देखा था मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकम्पनसेट कंडीशन में हमने देखा था पीएच इंक्रीज हो रहा था, CO2 नॉर्मल रेट में था बट SCO3 का लेवल बढ़ रहा था, दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में थी, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को इंडिकेट कर रही थी। पीएच भी बढ़ा हुआ था, CO2 भी बढ़ा हुआ था और SCO3 भी बढ़ा हुआ था, ये CO2 बढ़ा हुआ था कंपनसेटरी मैकेनिज्म वाली कंडीशन में, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को इंडिकेट कर रहा था। तीसरा फुली कंपनसेट में हमने देखा था कि पीएच जो था बढ़ा हुआ था, 7.45 लो मीन्स अपर रेंज पे था, CO2 का लेवल भी बढ़ा हुआ था ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म,
एंड SuO3 का लेवल भी बढ़ा हुआ था, वो वाली कंडीशन भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ही इंडिकेट कर रही थी। आई होप मुझे समझ मुझे मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो और आप पूरा एसिड बेस बैलेंस समझ गए हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, एग्जाम में 100% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे भी बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।